श्री संस्था की धार्मिक प्रस्तुति संगीत में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का 6वें दिन के उपरांत व्यासपीठ से पंडित श्री सिद्धांत जी महाराज ने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन करते हुए फूलों की होली कथा का वर्णन सुनाया और भगवान कृष्ण एवं राधा ने फूलों की होली भक्तों के बीच खेली। श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के संयोजक देवेंद्र योगी चंद्रवान तिवारी दीपक राजपूत समस्त अजंता कॉम्प्लेक्स वासी लेवर कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। Oh,
जो भक्तगण रह गए हैं वो शीघ्रता के साथ महाराज जी का पूजा अर्चन वंदन करें और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर महापुराण का आरती होगा और प्रसाद वितरण होगा। दिनेश विश्वकर्मा जी भजन दल से, कमल पुत्रैया जी भजन दल से, शिवलाल मकुरिया जी पूर्व पार्षद है, मेरे मित्र है, मेरे साथी है, मेरे सहयोगी है, बाबा साहेब जी भी हमारे बीच में है और हमारे बीच में जी राजभूत जी है, इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों स्वागत करिए। ये मंच सबके लिए है, हम पहले सर आज का वो श्रीमद् भागवत कथा, आज श्री भागवत कथा में समापन का अवसर था और बड़ा ही प्यारा दृश्य था श्रीमद् भागवत कथा का। ऐसा आनंद हमने और हमारे सभी यानी लेबर कॉलोनी और अजंता कॉम्प्लेक्स की माताओं बहनों द्वारा भव्य आयोजन का प्रस्तुति दी गई है। आज समापन के पावन अवसर पर आज श्री कृष्ण राधा कृष्ण की बड़ी अच्छी झांकी, सुदामा चरित्र, सभी भावुक हुए थे। क्योंकि भावुक इसलिए हुए थे कि आने वाला कल कैसा होने वाला है, क्योंकि आज भगवान हमसे दूर जाने वाले हैं, मगर सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि भगवान सदा हमारे साथ में रहते हैं, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, सदैव हमारा आशीर्वाद हमको आशीर्वाद वो देते रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत कथा मुक्तेश्वर महादेव महोत्सव के रूप में धूमधाम से और झूमझाम से मनाया गया। आपने देखा है कि यहाँ पे कैसे माताएं मैंने नृत्य कर रही थी, सिद्धांत जी महाराज जी के वचनों में जैसे अमृत बरस रहा था, आपने देखा होगा। सभी माताओं बहनों सभी हमारे सभी भाइयों ने भी बहुत आनंद भाई और आनंद के साथ में भक्ति का रस लिया है और हमें मेरी प्रार्थना है कि इस व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भगवान का मिले, जिनकी जो भी कष्ट है उस कष्ट को भगवान हरे और सबके दुख भी अपने साथ में इस भागवत कथा के साथ में ले जाए। और ये महामारी जो आने वाली जो महामारी है, मैं चाहता हूँ इस पंडाल के माध्यम से, एक व्यासपीठ के माध्यम से, जहाँ महामारी हमारे प्रदेश में हमारे देश में ना आए, ऐसे भक्ति भाई सभी लोग भक्ति के भाव से अमृत की वर्षा करते रहो, अमृत बरसेगा, कोई कोरोना नहीं होगा, ना ओमिक्रॉन होगा। जय जय राधे कृष्ण की। सलाम बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र योगी, भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी भोपाल जिले का। सर पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ। मैं चंद्रवान तिवारी तथा आयोजक दीपक ठाकुर कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। विगत 7 दिवस से मुक्तेश्वर महादेव की वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अजंता कॉम्प्लेक्स लेबर कॉलोनी के बीच में श्रीमद् भागवत कथा निरंतर 7 दिवस से चल रही थी। बहुत ही धूमधाम से 7 दिवस कथा चली। आज कथा का बड़े आनंद के साथ समापन हो गया है। कल भंडारा है और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन ने अथक सहयोग दिया है। बहुत ही हजारों की तादाद में कथा श्रवण की है, बहुत ही आनंद आया और आज सुदामा चरित्र के साथ ही कथा का समापन हो चुका है। कल भंडारा है, 3 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा। लगभग संभावना है कि 5 से 7 हज़ार लोगों का यह भंडारा होगा और प्रभु की कृपा बरसती रही 7 दिवस। सबका धन्यवाद, आभार। दीपक राजपूत, मैं भागवत कह रहा था आज सबका सहयोग से भागवत जी बहुत तैयारी हुई। कल बहुत बड़ा भंडारा योगी भाई के भाई साहब द्वारा, सब
सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसी मेरे को हमेशा सबका साथ मिलता रहे और मैं ऐसी काम आगे भी करता चलूँ। हिंदुत्व के लिए काम करना है, ये मन में ठाना है।